भूषण ज्वेलर्स। राजकीय रेलवे पुलिस कालका ने रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया। जीआरपी थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम को रोकने के लिए रेलवे पुलिस अधीक्षक राजेश कालिया के आदेशानुसार रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रोजाना जीआरपी कर्मी रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जीआरपी साइबर ने बताया कि बैंक में जाते समय किसी अनजान व्यक्ति को बैंक डिटेल ना दे, फर्जी कॉल आने पर पुलिस को तुरंत सूचना दें, एटीएम से पैसा निकालते समय किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने पिन कोड ना डालें। एक बार पिन कोड पता चलने पर साइबर अपराधी बातों में उलझाकर आपके एटीएम को चालाकी से ले लेते हैं, जिसका पता बैंक उपभोक्ता को बैंक खाते से पैसे कटने के बाद ही चलता है। ऐसे में सभी लोग सतर्क रहें। रेलवे स्टेशनों पर आते जाते ट्रेनों में सफर करते समय किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना सामान, मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें ना दें, इससे साइबर क्राइम को बढ़ावा मिलता है। मोबाइल पर आने वाले अनजान कॉल से 1 लाख और करोड़ों जीतने वाले जैसे प्रश्न पूछे जाने पर उस कॉल के बारे में पुलिस को जानकारी दी और किसी भी व्यक्ति परिचित या अपरिचित को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल ना दें, इससे आपके बैंक खाते में रखा सारा पैसा उड़ाया जा सकता है। ऐसे में सभी लोग अपनी सावधानी बरते। हम अपने पुलिस अधीक्षक रेलवे श्री राजेश कालिया जी के नेतृत्व में हर सप्ताह 2-3 बार रेलवे स्टेशनों पर आने जाने वाले यात्रियों को साइबर फ्रॉड के बारे स्टेट करते हैं, उनको अवेयरनेस करते हैं। उसी के तहत आज भी रेलवे स्टेशन कालका पर यह अभियान चलाया गया था। आने जाने वाले यात्रियों को और रेलवे स्टेशन पर टैक्सी चालकों, ऑटो चालकों और वेंडर वगैरह को साइबर क्राइम बारे स्टेट किया गया। आगे भी समय करते रहेंगे और ये रेगुलर जानकारी हम देते रहते हैं। इसमें सप्ताह में 3-4 बार तो ये ऑर्गेनाइज करते ही हैं और जब भी टाइम मिलता उनको बताते हैं। हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, सभी को बताया गया कि कोई भी आपके पास अननोन कॉल आए उस संबंध में आप अपना UPI नंबर, आधार नंबर, खाता नंबर किसी के साथ साझा ना करें। जिन्होंने हमारी बात को गंभीरतापूर्वक सुना और आगे से सचेत रहने का प्रयास किया। कालका से ENTV के लिए सचिन बराड़ की रिपोर्ट।